गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने लिखा गया है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है अंको 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आप लोगों से दो प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि आप लोगों को छोटी संख्याएं बड़ी संख्याएं लिखनी है अलग अलग, और उसके बाद उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका हल निकालते हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। ध्यान दीजिए, 6, 2, 7, 4, 3। ठीक है, ये 5 अंक आपको दिए गए हैं प्रश्न में, और इन्हीं 5 अंक की सहायता से आप लोगों को सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या लिखनी है। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों का अंतर भी निकालना है। तो सबसे पहले हम अंक लिख दिए हैं 6, 2, 7, 4, 3, मतलब प्रश्न में डी हुई है ऑलरेडी। अब हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर। अब ध्यान दीजिए क्या लिखना है, सबसे बड़ी संख्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या से इसका स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले रकम सबसे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद दूसरी छोटी संख्या, फिर उसके बाद दूसरी छोटी संख्या रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्हें बड़ी संख्या दे रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे सबसे बड़ी क्या आएगी, हम 7 है, लिखेंगे 7। फिर इससे छोटी क्या है जी, 6 है 6, और इससे छोटी क्या है जी, 4 है, इससे भी छोटी 3 है, और क्या सबसे छोटी 2 है, यानी इसको कितना पड़ेगा जी, 76,432। क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, कितना, 76,432। क्या आपका, या आपका बड़ी संख्या निकल गया। ठीक है, अब निकालते हैं छोटी संख्या, फिर लिखेंगे सबसे छोटी संख्या। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां पूछा गया है सबसे छोटी संख्या। अब यहां जो सबसे छोटा अंक है, यानी जो सबसे छोटा डिजिट है, इससे हम यहां स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, जिसके उल्टा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे जी, 2, क्या लेंगे 2, फिर इससे बड़ा कौन है, 3, इससे बड़ा 4, इससे बड़ा क्या है जी, 6, और इससे बड़ा क्या है, 7, यानी इसको कितने पढ़ेंगे जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, कितना, 23,467। कितना पढ़ेंगे जी, 23,467। अब आपको सबसे बड़ी संख्या निकल गया कितना, 76,432,
और सबसे छोटी संख्या निकल गया 23467। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि इन दोनों संख्याओं का अंतर भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसका अंतर निकालते हैं। नीचे ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे यहाँ पे अंतर। ठीक है, लिखते हैं अंतर, अंतर बराबर क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी 76432 में से 23467 क्या करेंगे, घटाएंगे। और यहाँ लिखेंगे 76432 माइनस 23467, 23467 कितना आएगा, 20 बताइए, यह कहेगा ध्यान दीजिए कैसे घटाना इसको, क्या है कि दो मतलब साथ घटेगा, नहीं घटेगा, क्या करेंगे जिससे हासिल लेंगे, क्या जाएगा 12 साथ कितना आएगा 5, या आप लोग ऐसे घटा सकते हैं, हम लोग सिंपल लगा रहे हैं 76432 बच्चे लिख दीजिए 23467। ठीक है, क्या है 76432 और 23467 बताइए इसको, यानी क्या है कि दो है, दो के साथ नहीं घटेगा, क्या करेंगे हासिल कितना गया 12 के साथ कितना आएगा 5। ठीक है, क्या बचा है 2, फिर दोनों 6 नहीं घटेगा, क्या करेंगे हासिल जाएगा 12 और 12 6 गया 6, यहाँ क्या बचेगा 3, क्यों क्योंकि एक किसी हासिल के लिए है, क्या बचा है 3, और फिर 3 में से 4 नहीं घटेगा, इसमें हासिल कितना जाएगा जी, ये हो जाएगा 13, तो 13 में 4 कितना आएगा 9, यहाँ क्या बच गया जी 5 गया कितना 2, यहाँ क्या बचा 7 में 2 गया 5, कितना है जी 52965, कितना रहा 52965, यहाँ मिलेंगे 52965। ठीक है, यका क्या जी, तो दोनों संख्याओं का अंतर है, तो यका अंतर होगा, ये अंतर यका अंतर है, ये दोनों क्या आपका दोनों का बड़ी संख्या है ये और ये छोटी संख्या है, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के तहत बड़ी संख्या है छोटी संख्या है उनके अंतर आप लोगों के सामने हम निकाल दिए हैं, आप लोग इसे नोट कीजिएगा नोटबुक में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है, ध्यान दीजिए, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एक मशीन है जिसकी क्या है उसकी औसत क्षमता कितनी है, इस मशीन की औसत क्षमता है एक दिन में 2825 पेंच बनाने का, और पूछा गया है कि जनवरी 2006 में मशीन ने कुल कितने बेंच बनाए। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि जो इसकी क्षमता क्या है, औसतन एक दिन में कितना बना रहे बेंच यह मशीन, तो 2825, यानी एक दिन कितना बना रहा है, तो 2825, और पूछा गया कि जनवरी 2006 में, यानी क्या करिए मार्च या जनवरी। ठीक है, तो इस माह में आपको कुल 31 दिन होते हैं, क्या करेंगे 31 से गुणा कर देंगे 2825 में, और जो आएगा पेंच उसका गुणनफल पेंच की संख्या होगी। फिर इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिए, लेकिन सबसे पहले मशीन की औसत क्षमता प्रतिदिन, क्या जी मशीन की
औसत क्षमता प्रतिदिन कितना है? 2825 है। ठीक है, ये क्या है? तो मशीन की औसत क्षमता प्रतिदिन कितनी है? 2825 है। अब आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2006 में इस मशीन द्वारा कुल कितने पेंच बनाए गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि एक दिन में मशीन 2800 एंड 2825 पेंच बनाती है। ठीक है, तो पूछा गया है कि जनवरी 2006 में मशीन द्वारा क्या लिखेंगे? जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए कुल बेंचों की संख्या बराबर कुल बेंचों की संख्या बराबर क्या है? ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है मशीन? तो मशीन की क्षमता क्या है? मशीन की क्षमता, सॉरी, मशीन की औसतन क्षमता प्रतिदिन 2825 है। ठीक है, और एक दिन में मशीन क्या है? एक दिन में मशीन 2825 पेंच बना रही है। और पूछा गया है कि जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए कुल पेंच संख्या कितनी होगी? अब ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया आपका? समय दिया, बोले यहाँ क्या दिया? वहां दिया गया है, तो क्या दिया? आपका जनवरी माह दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि इस माह में नहीं होता है, जनवरी माह में कुल आपको 21 दिन होता है। 21 दिन हम क्या करेंगे? 21 से इसमें गुणा करेंगे, अब लिखेंगे 31 × 2825। अब 21 कहाँ से? ध्यान दीजिए, क्या है फुल टाइम है, लिखा है जनवरी 2006 में, क्या जनवरी का क्या है समय दिया जनवरी। अब देखेंगे कि इस माह में कितना दिन होता है, तो कितना दिन होता है इस माह में? होता है 31 दिन। जबकि एक दिन में कितना बन रहा थे? 2825 यानी 2825 बन रहा है एक दिन में, और कितना दिन है जी? बची है 31, और पूछा गया कुल कितने पेंच बनेगी, तो जो एक दिन पेंच बन रहा है उससे कुल दिन में गुणा करेंगे तो कुल पेंचों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब गुणा करते हैं कितना आएगा जी? ठीक है, गुणा कीजिए कितना में, यानी 2825 में गुणा करना है किससे जी? 31 से। 1 × 5 2 × 2 1 × 8 2 × 2 3 × 15 1 × 6 7 3 × 8 24 2 3 × 6 2 हाँ कितना जाएगा जी? 5 × 5 = 7 8 × 7 = 15 और 4 × 6 = 7 8 × 7 कितना गया? 87,575 क्या जी? 87,575। ठीक है, कितने से माना गया? 87,575 क्या है? क्या कुल बेंचों की संख्या है, क्या है कुल बेंचों की संख्या? ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर हम समझ लीजिए कि मशीन की औसत क्षमता क्या है प्रतिदिन, तो 2825 है, और एक दिन में मशीन 2825 पेंच बनाती है, तो जनवरी 2006 में मशीन द्वारा बनाए गए कुल पेंचों की संख्या क्या है जी? क्या है कुल समय है और एक दिन का औसत बनाने का पेंच क्षमता है, कितना करेंगे? कितना आएगा? 87,575 द्वारा सही आंसर। ठीक है, तो आज हम पढ़ लिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में, क्वेश्चन नंबर 7 हो रहा है, तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।